हाय गाइस, वेलकम टू स्पार्क एडिट। दोस्तों, आज हम कुछ इस तरीके की ब्लूटोन फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो फिर वीडियो को अंत तक बने रहे, तो फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, सबसे पहले हम इस वाले फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करने वाले हैं। इसके बाद हम जाने वाले लाइट्स में, फोटो के एक्सपोजर को हम इंक्रीज करने वाले, उसी के साथ ब्लैक को डिक्रीज करने वाला है 50 इतना। इसके बाद हम मिक्स टूल पर आने वाले हैं। मिक्स टूल पर आने के बाद हम ऑरेंज कलर की सैचुरेशन को डिक्रीज करने वाले हैं और लुमिनस को इंक्रीज करने वाले। इसके बाद येलो कलर पर आने वाले, इसकी यू को हम 100% इंक्रीज करने वाले, इसी के साथ सैचुरेशन को भी हम 100% इंक्रीज करने वाले। इसके बाद ग्रीन कलर पर आने वाले, ग्रीन कलर की यू को और सैचुरेशन को दोनों को हम 100% इंक्रीज करने वाले। इसके बाद ब्लू को हम सैचुरेशन को इंक्रीज करने वाले। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर आने वाले, फोटो में टेक्सचर्स ऐड करने वाले, फोटो की क्लियरिटी को हम इंक्रीज करने वाले 50 इतने तक। इसके बाद फोटो में डिग्नेज इफेक्ट डालने वाले और विग्नेट इफेक्ट को भी हम ऐड करने वाले। इसके बाद फोटो में नॉइस रेडिएशन को बढ़ाने वाले। इसके बाद हम लाइट रूम के प्री प्रीसेट पर जाने वाले और इधर क्लिक करने वाले और आर्टिस्टिक को क्लिक करने वाले। इसके बाद हम आर्टिस्टिक 04 को अप्लाई करने वाले और इसकी को हम 200% अप्लाई करने वाले। तो फिर आप देख सकते हैं कितनी बड़े तरीके से हमारे फोटो में एक ब्लू टोन आ रही है। इसके बाद हम सिलेक्टिव टूल्स में जाने वाले हैं। सिलेक्टिव टूल्स में आने के बाद हम सर्कल लेने वाले हैं और इस वाले सर्कल को हम हमारे मॉडल के फेस के ऊपर लगाने वाले। कुछ इस तरह से इसके फोटो के एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करने वाले ताकि हमारे अंदर फोटो डार्क हो। कुछ इतना तक करने वाले, इसके बाद डन करने वाले। तो फिर आप देख सकते हैं कितनी बड़े एरिया से हमारे फोटो में एक ब्लू टोन आ चुकी है। तो फिर आप बिफोर देख सकते हैं और आफ्टर देख सकते हैं कितनी बड़े एरिया से हमारे फोटो एडिट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय शिवराय।